दिल्ली के मोहन गार्डन स्थित ओके मॉडल स्कूल में परीक्षा के दौरान प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार दे सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, बच्चों के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। वहीं बच्चों के माता पिता ने भी स्कूल की शिक्षा प्रणाली की जमकर सराहना की। देखिए आरबीएम न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट। आपके बच्चे सेकेंड आया है ओके मॉडल स्कूल के अंदर, जो इनको प्राइज मिला है, आप स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? स्कूल बहुत बढ़िया है। हमने लास्ट ईयर इनका एडमिशन कराया था कोविड टाइम में, तो इनका कोऑपरेटिव है स्कूल और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं और हमें से हेल्प करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होता है टाइम टू टाइम मोबाइल में आ जाता है और सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो अच्छा है, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। नहीं, जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा है, माहौल में ही अच्छा एजुकेशन मिलेगा, तभी फ्यूचर अच्छा ब्राइट होगा। तो मैं कहूँगी कि लेंगे जरूर, तो अच्छा रहेगा उनका फ्यूचर। मैम, आपका बच्चे भी इसी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इस स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जैसे कि यहाँ पे अवार्ड सम्मानी रखी है बच्चों के लिए, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं, जिन्होंने अच्छा किया है अपनी पढ़ाई के अंदर, तो क्या बोलना चाहेंगे स्कूल के बारे में, स्टाफ के बारे में, इसकी एजुकेशन के बारे में? तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे मतलब टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों पे मतलब काफी अच्छा वो प्रभाव पड़ता है, मतलब काफी अच्छा स्टाफ है जो बच्चों को मतलब अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, और सर भी हमारे बहुत अच्छे हैं, और टाइम टाइम पर जो है बच्चों की एक्टिविटी होती रहती है, जिस वजह से बच्चों का मन लगा रहता है। जो अभी कुछ लोग जैसे अभी अपने बच्चे का एडमिशन करवाने वाले, जिनके बच्चों के अभी न्यूली स्कूल ज्वाइन करना है, तो आप क्या उनको इस स्कूल के बारे में बताना चाहेंगी? यहाँ एडमिशन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा स्कूल है, और मतलब बच्चों को हर चीज़ यहाँ पे मतलब अच्छी शिक्षा दी जाती है और एक्टिविटी होती रहती है यहाँ पे, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे करवाना चाहिए। स्कूल का स्टाफ कैसा स्टडी का? तो पहला प्राइज है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत अच्छा कराया है इन लोगों ने, अच्छा किया है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने, अच्छे से पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा है। आप इसी स्कूल की सातवीं कक्षा की छात्र, आप इस स्कूल के बारे में क्या बताना चाहेंगी? आज जो यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी रही, आपने वहाँ पे परफॉर्म भी किया, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या बोलना चाहेंगे स्कूल के बारे में, स्कूल की एजुकेशन के बारे में? ये स्कूल बहुत अच्छा है, इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, सबकी हेल्प करते हैं, किसी को एग्जाम में कुछ समझ नहीं आता तो उनको प्रॉपरली समझाते हैं, ये स्कूल बहुत अच्छा है, सबको इसमें एडमिशन कराना चाहिए। यहाँ शुरू से ही इसी स्कूल में पढ़ रही हैं, इसी स्कूल की छात्र, स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आज यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी भी रखी है बच्चों के लिए, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगी, स्कूल किस तरीके का है, स्कूल की पढ़ाई किस तरह की है, टीचर्स कैसे हैं, टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, क्या बोलना चाहेंगे आप? स्कूल तो बहुत अच्छा है, टीचर्स का बिहेवियर भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब एकदम फ्रेंडली, लगता ही नहीं है कि जैसे कहीं अलग आए हैं यहाँ पे, मतलब जो भी आता है ना अलग से ही माहौल रहता है। मैम भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती है, सर भी बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। एक्चुअली सर, यहाँ पर जो हमारा स्कूल है ओके मॉडल स्कूल, यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे अभी हम स्टार्टिंग में ही अभी हमने स्टार्ट किया है, हमारे स्कूल में डिजिटल क्लासेस का भी सारा अरेंजमेंट हो चुका है, तो यहाँ पर डिजिटल क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, और हम लोग जैसे टीचर्स को, हम बच्चों को जैसे पर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उस चीज़ को मतलब डीपली बच्चों को नॉलेज देते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को ऊपर ऊपर से पढ़ा देना, उनको डीपली नॉलेज देना, और उसके बाद हम ये चाहते हैं जैसे यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, टाइम टू टाइम हर तरह की एक्टिविटीज़ और उसके साथ बच्चों के कल्चरल एक्टिविटीज़ सारी कुछ होते रहते हैं, बच्चों की मतलब डांस क्लासेस और स्पोर्ट्स क्लासेस सारी होती हैं, और जो यहाँ के हमारे स्कूल के मैनेजर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका बिहेवियर बच्चों के लिए और टीचर के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर कोई मतलब पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो एफर्ट नहीं कर सकते यहाँ की फीस वगैरह, तो ये लोग उनकी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब उनके ऊपर बर्डन दे देना, उनकी मतलब हेल्प करते हैं कि भाई आपके बच्चों की जैसे ज़्यादा फीस है तो थोड़ा लेस भी कर देते हैं। सर, मेरा नाम आकृति है, दिस इज़ आकृति रसोगी। मैम, आप इस स्कूल में काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं, आप यहाँ पे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? मैं स्कूल के बारे में यही कहना चाहूँगी कि स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए बच्चे के लिए मुझे इस स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, स्टाफ बहुत अच्छा है, और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं रवि सर, और जो मैम हैं प्रिंसिपल मैम, ये भी बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और
इस तरीके का माहौल है कि बच्चा जो है खेल खेल में और पढ़ाई भी जो है वो अच्छे से करता है। हमारे साथ ओके मॉडल स्कूल के जो डायरेक्टर हैं रवि कुमार जी, वो हैं आज इनके स्कूल में जो एक इवेंट रखा गया था जिसमें बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिले हैं उनके मार्क्स के हिसाब से। तो सर किस तरह की का स्कूल है आपका और किस तरीके की आप एजुकेशन यहाँ बच्चों को देते हैं? ये एक प्राइवेट बजट स्कूल है जो रूरल एरिया में बहुत कम फीस में बहुत अच्छी गुणवत्ता दे रहा है। आप लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं और हमारी सोशल एक्टिविटी आप टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। एक आज कार्यक्रम हमने किया था अपना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो पिछले सत्र में बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान लेके आए थे उन सभी बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ हमने सम्मानित किया था। ये एक पहला स्कूल है जो इस तरह के कार्यक्रम करता है, नहीं तो हमारी जानकारी में कोई ऐसा नहीं है अब तक जो इस तरह के कार्यक्रम करता है। और हम लगातार बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए, उनको और सक्रिय करने के लिए लगातार निरंतर कार्य करते रहते हैं और आगे भी ये स्कूल कार्य करता रहेगा। धन्यवाद सर। जिस तरीके से देखिए कोरोना काल अभी पीछे रहा तो बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों की फीस तक दे नहीं पाए और कुछ स्कूलों ने बच्चों को स्कूल से निकाल भी दिया और उनकी एजुकेशन रोकी, तो आप लोगों का क्या रवैया रहा इस दौरान इस बीमारी का? कोरोना काल में ये तो मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ओके मॉडल स्कूल ने कोरोना काल में बच्चों के लिए क्या किया था। ओके मॉडल स्कूल इकलौता एक ऐसा स्कूल था जिसने अपने पूरे 22 महीने बच्चों की आधी फीस ली थी और कोई चार्ज अतिरिक्त चार्ज बच्चों से नहीं लिया। कोरोना काल में सब पे आफत आई थी, सब परेशानी में थे, अब वो सब भूल चुके हैं, हम भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद बच्चों ने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया और अच्छी पोजीशन लाए और इस स्कूल का जो रिजल्ट रहा है वो 90% से ऊपर रहा है। 90% बच्चे 95 और 96% के बीच में मार्क्स लेके आएंगे। तो सब नया सेशन शुरू होने जा रहा है, कोरोना भी लगभग कहते हैं कि जा चुका है बट अभी फिर भी उसकी दस्तक कहीं ना कहीं सुनाई देती रहती है, तो इस बार आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगी? स्ट्रेटजी हमने इस बार अपने यहाँ डिजिटल क्लासेस शुरू करी हैं, नर्सरी टू फिफ्थ क्लास डिजिटल क्लासेस हैं। हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड लग चुका है, टीचर्स अब ऐप के थ्रू पढ़ाई कराएगी। ये एक पहला स्कूल है बजट स्कूल जो कम फीस में द्वारका जैसी इलाइट स्कूलों की तरह बच्चों को शिक्षा दे रहा है। तो नई स्ट्रेटजी ये है कि हमने डिजिटल क्लासेस अपने यहाँ शुरू कर दी है, तो माँ बाप जो यहाँ से निकल के द्वारका के स्कूलों में जाते थे जो वहाँ पर पैसा खराब कर रहे हैं, तो उनसे आग्रह है कि एक बार स्कूल को समझें, स्कूल की गुणवत्ता पर ध्यान दें, फिर अपना डिसीजन लें। पहले तो आप सभी को नमस्कार, और जो बच्चे आज हमारे स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए मैं उनके पेरेंट्स को बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और भविष्य के लिए भी आगे उनको बधाई देती हूँ कि ऐसे बच्चे आपके तरक्की करते रहे और ऐसे ही हम लोग हमेशा अवार्ड फंक्शन करते रहेंगे। कोरोना काल के बाद हमने बहुत टाइम बाद अवार्ड फंक्शन किया जो को हमें बेस्ट करने में भी बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा कि बच्चों ने पेरेंट्स ने हमें इतना सपोर्ट किया। टीचर्स की कड़ी मेहनत रही इसमें कि क्योंकि कोरोना काल के बाद बच्चे बिल्कुल पीछे हो चुके थे, टीचर्स ने बहुत मेहनत की जिससे कि बच्चों की अच्छी पोजिशन आ सके। और जो बच्चे मैं जो पेरेंट्स के जिनके बच्चे नहीं आ पाए हैं उनको इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी मेहनत करें, टीचर्स मेहनत करें जिससे कि हम और भी ज़्यादा अवार्ड दे सकें बच्चों को। और एक चीज़ जो कोरोना काल के बाद अब जो नया ट्रेजेडी रहेगा, हमने लीड एप्लीकेशन बच्चों के लिए की है, डिजिटल क्लासेस अपॉइंट किए हैं बच्चों के लिए, अब सारे बच्चे आराम से अपना टैब के अकॉर्डिंग टीचर्स उनको पढ़ाएंगी और जिससे कि बच्चों को आसानी रहेगी स्टडी करने में। दूसरा पेरेंट्स को ये एजुकेशन रहती है कि टीचर्स हमारी क्या पढ़ा रही है, बच्चा हमारे स्कूल में जाके क्या करता है क्या नहीं करता, उसके लिए भी एक एप्लीकेशन बनाई गई है जिससे कि पेरेंट्स अपने फ़ोन में उनको डाउनलोड करेंगे और पेरेंट्स भी पता कर सकेंगे कि टीचर्स ने आज बच्चे को क्या पढ़ाया और बच्चों ने आज आप अपनी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रखा स्टडी के लिए। तो मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि जैसे आप लोगों ने अब तक हमारा सपोर्ट करा ऐसे ही करते रहें और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में हमारा साथ दें और टीचर्स भी बच्चों के लिए और बच्चों के साथ मेहनत करती रहें। थैंक यू।